नमस्कार बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी की, है ना। तो देखते हैं इसको, समझते हैं इनइक्वालिटी। देखिए, इनइक्वालिटीज आप लोगों ने क्लास 11, 12 में या छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, है ना। और लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि इनइक्वालिटी का कोई चैप्टर था आप लोगों का, लेकिन ये था कि जिन्होंने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, यानी कि कम्पिटेटिव एग्जाम से मेरा मतलब है कि जैसे किसी ने जेई मेंस वगैरह की तैयारी की होगी, तो वहां पर आप लोगों ने इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, है ना। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ तैयारी की होगी, तो उनको इसके बारे में जानकारी हो सकता है कि ना हो। तो जो हम लोग के ग्रेजुएशन में इनइक्वालिटीज के कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उन्हीं को करवा रहा हूँ, लेकिन जिनको भी नॉलेज नहीं है इनइक्वालिटी का बिल्कुल भी, तो मैं इस वीडियो के बाद 2-3 क्लासें इनइक्वालिटी की डाल दूंगा जो कि मैंने पढ़ाई हुई थी, तो उससे आपको बहुत अच्छे से इनइक्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा ना। जिनका जिनको भी बेसिक नहीं पता है इनइक्वालिटी का, तो वो 3 क्लासें आप लोग को मिल जाएंगी इसके बाद में डालूंगा मैं इस वीडियो के बाद में, तो उनको पहले देखिएगा, फिर इसके बाद आप लोग इसको देखिएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने पढ़ रखी है इनइक्वालिटी को, तो उनको तो ये समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 2.1.12। देखिए, ये है, यहां पर कहा गया है, इसका ये पार्ट है, डिटरमाइन सेट ए। देखिए, ये कहा गया है डिटरमाइन सेट ए। यहां पर क्या कहा गया कि सेट ए को डिटरमाइन करिए, जहां पर आप दिया गया है वेयर 2x plus 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, ये दिया गया है, तो हमको सेट ये देखना है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो देखिए, इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x plus 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। हम क्या करें, यदि हम दोनों साइड हम इसको ऐसा कर देते हैं कि 3 माइनस कर देते हैं, तो इधर से यह हट जाए, तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 करेंगे तो यहां से 0 हो जाएगा, +3 -3 लेस देन आर इक्वल टू 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा लेस देन आर इक्वल टू 3/2, ये आ गया। तो देखो, हमको ये देखना है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे या कौन से पॉइंट आएंगे। तो देखो, यहां पर हमने एक नंबर लाइन बना ली, यहां पर आ गया हमारा 0, ये क्या है, 3/2 है, 3/2 का मतलब 1.5, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि यहां पर ये पॉइंट है हमारा 3/2। ठीक है, तो ये x क्या कह रहा है कि 3/2 के इक्वल है, इक्वल टू का भी साइन लगा है, यानी कि इस पॉइंट को भी लेना है हमको। फिर क्या कहा गया है, 3/2 से सारे छोटे नंबर लेना है, है ना, लेस देन लगा है, x क्या है, 3/2 से सारे छोटे, तो इधर के सारे नंबर आपको ले लेना है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट। तो हमारे जो यहाँ पर इंटरवल आया हमारा सेट ए में, वो कौन सा आया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए में हमारे जो नंबर आएंगे वो आ जाएगा इधर ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक के, 3/2 तक के, इधर से क्लोज इंटरवल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3/2 पॉइंट को भी लेना है। जिसको भी ये बात नहीं समझ में आई है, तो वो क्या करेंगे, जो इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा इनइक्वालिटी के ही, उनको आप लोग देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम, यदि आपके जो कॉलेज में जो प्रोफेसर बताएंगे, वो आपको यहीं से डायरेक्ट ही चीजें बताएंगे, तो आप लोग को ये बता रहा था मैं कि आप लोग के जो वीडियोस हैं वो आप लोग को अपलोड कर दिए जाएंगे इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से इस पर कमांड आ जाएगी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इसके बी पार्ट की, यहाँ पर हमको दिया है बी, यहाँ पर देखो ये बी दिया है, और इस पर भी एलिमेंट पूछा है कि बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, और ये दिया है एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ पर दिया है सच दैट x² + x > 2।
ये दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन टू दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है कि हमको सेट बी फाइंड करना है, सेट बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि इस पर कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये तो सारे बच्चों ने पढ़ ही रखा होगा, है ना, जहां पर सेट थ्योरी आप लोग पढ़ते हो, चाहे इलेवेंथ क्लास हो या और भी पहले छोटी कक्षाओं में, तो आपको बताया जाता है एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ना। तो एक तरीके से आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे, समुच्चय निर्माण विधि जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको यदि फाइंड करना चाहें कि इस पर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन टू है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यदि टू से दोनों साइड माइनस कर दें, टू माइनस कर दें दोनों साइड, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इधर साइड आ जाएगा जीरो। अब यहां पर क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर और यहां पर आप लिख सकते हो इसको प्लस का 3x, या इसको 2x लिखोगे यहां पर, 2x माइनस x, ठीक है, माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। x यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा x प्लस 2, यहां पर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। दोनों साइड से क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, और इधर पर आएगा x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आप देखोगे तो यदि x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू, और इधर से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन, ठीक है, ये दो वैल्यू मिल जाएंगी। हमको क्या चाहिए कि x रियल होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो रियल के लिए, रियल की यदि हम बात करें, देखो यहाँ पर ये हमारी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, इधर पर प्लस इनफाइनाइट है। हमको एक पॉइंट मिला है माइनस टू, एक पॉइंट मिला है वन, तो ये हो गया माइनस टू, ये हो गया वन। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। यदि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक वेव बना दे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको, जो जिनको भी जानकारी नहीं है, तो जो अगले आपको मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, दो तीन वीडियोस, वहां पर आपको ये सारे मेथड आपको पता चल जाएंगे, कैसे हम लोग ये वेव बना रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इन नंबर को यहाँ पर बना करके अपना जो इंटरवल है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जिनको पता है तो उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है माइनस टू, दूसरा पॉइंट दिया है वन। तो अब यहाँ पर कहा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमको यहाँ प्लस लेते हैं, इधर नीचे साइड माइनस लेते हैं। हमको कौन सा इंटरवल चाहिए है, हमको ये वाला इंटरवल चाहिए है, इधर वाला और इधर वाला, प्लस वाला, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर इंटरवल क्या आ जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा, या सेट बी हम लोग निकालें तो सेट बी में जो एलिमेंट आएंगे वो देखो कौन से आएंगे, ये आएंगे आपके, देखो माइनस, ये सारा प्लस वाला है, ये इधर का है ना, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू तक, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू तक। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इस पॉइंट को नहीं लेना माइनस टू को, इस वजह से यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाएगा, यूनियन लगा दोगे, इधर से वन को भी नहीं लेना है, तो वन पर भी ओपन इंटरवल, इधर इनफाइनाइट की तरफ तो ओपन इंटरवल लगता ही लगता है। तो ये इसका, ये सेट का एलिमेंट आ जाएगा सेट बी का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये इंटरवल अपने फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये इनइक्वालिटी समझ में आई होगी। जिनको भी नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना, पहले आप लोग जो इस वीडियो के बाद जो वीडियो अपलोड होंगे उनको आप लोग देखिए, यदि वो आप देख लेंगे फिर इसके बाद इनको देखिए तो ये समझ में आ जाएंगे, और जिनको आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका सी पार्ट है इसका, यहाँ पर दिया है सी, एक सेट दिया है, और ये भी आपका सेट बिल्डर पार्ट में ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखो कहा है x बिलोंगिंग टू रियल, है ना, कोई रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ पर दिया है सच दैट 2x प्लस वन, और बटे में दिया है x प्लस टू लेस देन वन, x प्लस टू लेस देन वन, ये चीज दी हुई है। इसका यदि आपको सेट के एलिमेंट फाइंड करना है, इस पर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हमको किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखो 2x प्लस वन, और बटे में क्या है x प्लस टू, और ये दिया है लेस देन वन दिया। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड यदि हम लोग माइनस वन कर देते हैं, दोनों साइड क्या करें माइनस वन कर दें, या वन माइनस कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x प्लस वन, और बटे x प्लस टू, इधर माइनस वन हो जाएगा, इस साइड जीरो हो जाएगा, तो लेस देन जीरो हो गया। इधर पर यदि आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस टू,
और यहाँ पर 2x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x माइनस का 2 लेस देन 0। यहाँ से देखो 2x में x जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x और 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 और बटे क्या है x प्लस 2 है, तो ये आ गया x प्लस 2 लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी बन गई। अब देखो ये हमारा लेस देन 0 कब बनेगा, ये हमारा क्या कह रहा है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कब बनेगा, या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव, तभी तो लेस देन बनेगा, माइनस तभी आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं कहाँ पर बता दूँ आप लोग को, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि x माइनस 1 क्या हो पॉजिटिव हो, तो दूसरा x प्लस 2 क्या हो नेगेटिव हो लेस देन 0 हो। दूसरा केस हमारा बनेगा कि x माइनस 1 नेगेटिव हो तो x प्लस 2 क्या हो पॉजिटिव हो, यही दो केस बनेंगे, तभी यहाँ पर ये लेस देन 0 यानी नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से देखो यदि हम लोग निकालें इंटरवल तो ये मिलेगा हमको x इज ग्रेटर देन 1 और इधर से मिलेगा x इज लेस देन माइनस 2। इधर से निकालोगे तो क्या मिलेगा, इधर पर मिलेगा x इज लेस देन 1 और इधर से देखोगे तो ये मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये x इज ग्रेटर देन माइनस 2 ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी काम यही करना है कि यदि हम लोग यहाँ पर ये नंबर लाइन अपनी बना रहे हैं, ठीक है, इधर पर माइनस इनफाइनाइट है इधर पर इनफाइनाइट है, यहाँ 1 है इधर माइनस 2 है, तो 1 ये हो गया और ये हो गया माइनस 2, ठीक है, इधर पर 1 हो गया ये माइनस 2, ये क्या कह रहा है x कहाँ बिलोंग कर रहा है 1 से ग्रेटर है यानी कि इधर के सारे नंबर आ जाएंगे, ये क्या कह रहा है x क्या है लेस देन माइनस 2 है यानी कि माइनस 2 से छोटे इधर के नंबर आ जाएंगे। तो देखो कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है इस पर, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा है कि कॉमन हो, तो यहाँ पर तो हमको कोई भी पार्ट नहीं मिला है ना इंटरवल का। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से देखेंगे, ये हो गया हमारे इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, ये और इधर छोटा बना लो, ये हो गया इधर पर इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है 1 और माइनस 2, तो 1 यहाँ पर होगा माइनस 2 यहाँ पर होगा। अब ये कह रहा है कि 1 से सारे लेस, तो इधर के सारे नंबर इसने कह दिया, फिर ये कह रहा है माइनस 2 से सारे बड़े यानी कि माइनस 2 से बड़े इधर के नंबर, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया कॉमन हो गया दोनों में, ये वाला पार्ट क्या हो गया बीच का हो गया कॉमन हो गया, तो ये हमारा इसका इंटरवल आ जाएगा, ये वाले एलिमेंट सारे इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है, माइनस 2 से 1 के बीच के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस 2 से 1 के बीच के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमको इंटरवल यहाँ पर फाइंड करना होता है। आई होप ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आई होगी, इसको भी कॉपी करिए, फिर एक थ्योरम है तो वो भी मैं आपको करवाता हूँ। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक थ्योरम टाइप है आपकी, देखिए ये कह रहा है कि इफ ए कामा बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये दोनों आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, आपके दोनों ही लिए गए हैं। देन आपसे कहा गया है कि आपको ये गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, रियल तो है लेकिन कैसे रियल है, ये आपके या तो जीरो हो सकते हैं या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा निगेटिव नहीं हो सकते, यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया है, दिख रहा है आपको साफ साफ है ना कि ए इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। चलिए देन यहां पर हमको प्रूफ करना है, देखो प्रूफ हमें क्या करना है ये भी समझो, देन हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यदि ये दिया है तो हमको प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ क्या होगा कि ए स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो ये देखने में तो सबको लग रहा होगा कि हाँ सर जी ये तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसको समझना है। तो देखो इसके हम लोग तीन केस बनाएंगे, ठीक है, समझना ध्यान से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पहले समझ लो फिर इसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से इस वजह से किया गया है ना, लेकिन समझो जरूर ध्यान से। पहले हम लोग कह रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, है ना, a जीरो भी हो सकता है यानी b जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसी तरह a भी है। तो हम लोग केस बनाते हैं यहाँ पर, देखो पहला केस हम लोग बना रहे हैं, केस वन हम लोग यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि इफ बी इज ग्रेट बी इज इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं कि बी हमारा क्या है जीरो है, ठीक है, बी क्या है जीरो है, यदि बी जीरो है एंड
यहां पर क्या होगा, जो ए बी को तो हमने मान लिया कि जीरो है, तो ए हमको क्या दिया है, ए दिया है कि जीरो से बड़ा है और इक्वल है, तो हम लोग ए को लिख सकते हैं कि क्या है, जीरो से बड़ा है और इक्वल है, ये ए है, ठीक है। लेकिन बी क्या है, बी हमने माना है कि बी जीरो है, है ना, बी हमने क्या मान लिया है कि बी हमारा जीरो है, तो यहां पर बी इज ए क्या है, लेस देन आर इक्वल टू बी, है ना, ये भी यहां पर कंडीशन दी है, ए किससे छोटा है, बी से छोटा या बड़ा है, और बी हमने लेट किया है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये कंडीशन समझ में आई सबको, यहां पर हमने किया क्या है, यहां पर हमने ये किया है कि देखो ये गिवन है कि ए क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो वही हमने किया है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। फिर यहां पर हमने ये कहा है कि हमको गिवन है कि ए बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा है, फिर यहां पर लेकिन हमने लेट क्या किया है कि बी क्या है, जीरो है, तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या आ रही है, यहां पर देखो एक तरीके से आपका निकल रहा है कि ए हमारा क्या होगा, ए इजिकल टू जीरो इजिकल टू बी, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है, ए इजिकल टू जीरो इजिकल टू बी, है ना, क्योंकि भाई देखो यहां पर कौन सी कंडीशन सही हो रही है, ए जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है, और जीरो ही है यहां पर, बी की जगह भी क्या है, जीरो ही है, तो जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, है ना, लेकिन इक्वल टू का साइन लगा है, तो यही वाली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही थी कि फिर क्या होगा, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यदि आप लोग को ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तो यदि दोनों ही जीरो है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो भी क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, ए स्क्वायर इजकल टू जीरो इजकल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन थी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर थी, लेकिन यदि ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है और दोनों जीरो हैं, तो हमारे क्या होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर यहां से आएगी। तो इस तरीके से पहला पार्ट हमने प्रूफ किया है, है ना, जितने पार्ट प्रूफ करेंगे सब इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए दूसरा हम लोग केस बनाते हैं, देखो हम लोगों ने यहां पर दूसरा केस बना लिया, केस नंबर टू। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने लेट कर लिया इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, हमने क्या कहा बी जीरो है, यहां पर लिया बी जीरो है, लेकिन अब यहां पर हम दूसरा केस बना रहे हैं कि यदि मान लो बी जीरो नहीं है, तो यदि बी जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है, बी जीरो नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, बी ग्रेटर देन जीरो होगा। बात समझ में आ रही है, यदि बी जीरो नहीं है, बी जीरो है तब तो ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दी है तो इक्वलिटी वाली, लेकिन यदि बी जीरो नहीं है तो फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, b इज ग्रेटर देन जीरो, ये आ जाएगा b इज ग्रेटर देन जीरो। यदि किसी नंबर पॉजिटिव नंबर है, है ना, कोई यदि आपको पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसका जो आप स्क्वायर करोगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, वैसे भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यदि b पॉजिटिव नंबर है तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसी का हम एक पार्ट ये बनाते हैं, यदि बी जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि ए जीरो है, केस टू ए ले लेते हैं यहां पर हम लोग, तो यदि हम कह रहे हैं कि बी तो जीरो नहीं है, लेकिन यदि ए जीरो है, ए जीरो है, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, बी जीरो किया, यहां से हमको कंडीशन के आधार पर ए भी जीरो हुआ, तब ये हमारी कंडीशन, ये इक्वलिटी वाली जो कंडीशन है, यहां से ये वाली प्रूफ की हमने, है ना, कि a इक्वल टू बी और ये दोनों जीरो हैं, तब हमने ये कंडीशन बना दी और प्रूफ कर दिया इसी से, ठीक है। यही चीज हमने देखो प्रूफ किया है, a स्क्वायर इक्वल टू वाला जो हमारा है वो हमने प्रूफ किया। अब यहां से हम कह रहे हैं कि b नॉन जीरो है, तो ये हमने कहा कि b यदि नॉन जीरो है तो फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यदि a जीरो है, यदि a क्या है, जीरो है, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर भी आपका जीरो ही होगा। यदि a जीरो है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो ही होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। अब देखो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं कि ये जीरो है ए स्क्वायर, लेकिन ये बी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा हो गया हमारा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन ए स्क्वायर, है ना, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो जिस तरह लिखा है, ए स्क्वायर पहले लिख लो, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर करना पड़ेगा फिर, तो ऐसा भी लिख सकते हो भाई, ए स्क्वायर जीरो है, बी स्क्वायर जीरो से बड़ा है, तो बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर से बड़ा ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हमने देखो इस तरीके से सेकेंड केस से भी प्रूफ कर दी,
बात समझ में आ रही है। तो ये चीज हमको प्रूफ करना है, और ये चीज हम कैसे प्रूफ करें इसको लेकर के चलना है और यहां तक आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी हमने प्रूफ किया। अब हम लोग तीसरा केस एक बनाते हैं, देखो दिख रहा है ना आपको अभी, हाँ ठीक है। यहां पर हम लोग तीसरा केस लिख रहे हैं, केस नंबर 3। तीसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ए भी हम लोग क्या करेंगे कि नॉन जीरो लेंगे और बी भी नॉन जीरो ले लेंगे, दोनों ही जीरो नहीं है हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग कह रहे हैं कि अब हम केस ले रहे हैं कि ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, ये दोनों ही हमारे क्या है, जीरो नहीं है। फिर लेकिन हम लोग आगे क्या कह रहे हैं, ये दोनों जीरो नहीं है लेकिन हमने जैसे यहां पर कहा था कि ये दोनों इक्वल भी हो रहे हैं, तो हम ये भी कह दे रहे हैं इस बार कि ये दोनों क्या है, इक्वल भी नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी हम लोग कह दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि दोनों ही जीरो नहीं है और दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग यहां पर लेट करें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग जानते हैं सभी लोग क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप लोग तुरंत बोल दोगे, इसे कहते हैं सर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बोलते हैं, ठीक है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बोलते हैं या ए प्लस बी बोलते हैं, जो भी आप लोग ए प्लस बी या बी प्लस ए तो एक ही चीज है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखना यहाँ से हम लोग केस बना रहे हैं, यदि हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, ए भी यहाँ पर कहा था कि हो सकता है, लेकिन जी इक्वल टू जीरो वाला केस तो हमने यहाँ देख लिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब जीरो नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन बचती है कि दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यही तो कंडीशन बचती है। तो हम लोग अब लास्ट कंडीशन यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं कि ए भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और बी भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा। भाई जब जीरो नहीं है तो फिर यही तो बचेगा कि दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी ग्रेटर देन जीरो होंगे, है ना। तो ये हमने यहां से निकाला। अब देखो यहां से यदि ये दो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, यदि दो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दें, यदि हम लोग, दिख रहा है ना आपको, हाँ, यदि हम इन दोनों नंबरों को ऐड कर दें, दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं ना, ये हम लोग यहां से ऐसा कर सकते हैं। और देखो ये दोनों नंबर ही क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कोई ना कोई तो एक छोटा बड़ा होगा ना, दोनों इक्वल भी नहीं है क्योंकि हमने कह दिया है ना, तो और दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो ये भी बात है कि दोनों आपस में एक दूसरे से छोटे बड़े तो होंगे ही। तो हम लोग कह रहे हैं कि मान लेते हैं हम लोग कि यदि हमारा ए क्या है, लेस देन बी है, ऐसा मान लेते हैं कि ए क्या है, लेस देन बी है। तो यदि ए लेस देन बी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए यदि लेस देन बी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो बी माइनस ए कर दें तो ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, है ना भाई। यदि कोई नंबर बड़ा है और कोई नंबर छोटा है तो बड़े वाले में छोटा घटाओगे तो बड़ा ही तो यानी पॉजिटिव ही तो आएगा, है ना। तो वही काम हमने यहाँ पर कर दिया, बी माइनस ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ से रिजल्ट क्या निकाला कि बी ए प्लस बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और बी माइनस ए भी क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां से देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, है ना। b प्लस ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हमने यहां से प्रूफ किया है कि b माइनस ए भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव, यानी दोनों ही पॉजिटिव है। तो यानी कि जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का गुणनफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी हमने प्रूफ किया था, है ना। तो दो पॉजिटिव नंबर का गुणनफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि b माइनस ए और b प्लस ए क्या हो जाएगा, ये हमारा, देखो हम लेकर के चले थे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को हमने कहा था कि ये क्या होता है, ये हो गया हमारा b माइनस ए, और यहां पर आ गया b प्लस ए या a प्लस b, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये हम लोग यहां से ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो देखो यदि हमारा ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, है ना। तो इसको हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, भाई इसी की वैल्यू तो ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं,
बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी करिए क्योंकि बोर्ड भर गया है, फिर इसके बाद में आगे बता। देखो आई होप आपने यहां तक की चीजें कॉपी कर ली होंगी, है ना। अब जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर मैं क्या करूंगा, मिटा दूंगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। हम क्या लेकर के चले थे, यही लेकर के चले थे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यदि ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन जीरो ही है, ये तो हमने निकाल लिया, है ना। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये हमने कहा कि बी प्लस ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, ये तो हमने निकाल ही लिया। और यहां से हमने क्या निकाल लिया कि बी माइनस ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, है ना। ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तभी ये दोनों का गुणनफल पॉजिटिव आ सकता है, है ना। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है। तो यदि हम ये कह रहे हैं बी माइनस ए पॉजिटिव है, तो ये हम कह सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए, या इसी को हम लिख सकते हैं ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा, हमने लेकर के चले थे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। या इसी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं, इसी चीज को तो कह सकते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, है ना। तो एक ही बात है, ये देखो हम लोग ये प्रूफ कर दिया, हमने ये लेकर के चले थे, ठीक है। और इस साइन का मतलब ही क्या है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है इधर से लेकर के चलो इधर आ जाओ, इधर से लेकर के चलो इधर आ जाओ, ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशन भी प्रूफ कर दी कि यदि ए इज लेस देन बी है तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, है ना। ये हमने यहां से प्रूफ किया, यानी कि ये हम लोग लेकर करके चले थे ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने क्या कहा है, यहां पर हमने निकाला है कि पॉजिटिव है, है ना, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो ये जो हम लेकर के चले थे ये हमने निकाला है, ये हमने निकाल लिया है कि ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। यदि ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसी का मतलब तो ये होता है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है, है ना। तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए इज लेस देन बी प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू वाला साइन हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है वन और टू में। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है, इसको एक बार अपनी तरफ से भी लगाने का प्रयास करिएगा, ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। एक बार मैं हट जाता हूँ सामने से ताकि आप इसको अच्छे से देख लें, कॉपी कर लें, फिर आगे हम लोग बात करें। तो आई होप ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ये थ्योरम जो थी हमने इसको इस तरीके से प्रूव किया। अब देखो इसके आगे की एक चीज और बताता हूं मैं, इसको मैं कहां से हटा दूं, चलो केस वन ही हटा लेते हैं यहां से। देखो ये तो हमने प्रूफ कर दिया ए इज इक्वल लेस देन आर इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज कहा ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो यदि हम लोग क्या करें, हम लोग यहां से लेट कर लें सी इजकल टू, हमने लेट कर लिया अंडर रूट ए, और डी इजकल टू हमने लेट कर लिया, डी इजकल टू हमने लेट कर लिया अंडर रूट बी, सी इजकल टू हमने लेट कर लिया अंडर रूट ए, और डी इजकल टू हमने लेट कर लिया अंडर रूट बी, ठीक है। ये हम यहां से लेट कर लिया। तो अभी हमने पढ़ा है कि यदि सी लेस देन सी लेस देन आर इक्वल टू डी है, यदि ये हम कर दें यहां पर, है ना। तो इसको हमने क्या किया, c की वैल्यू अंडर रूट ए किया और d की वैल्यू मान लीजिए हमने अंडर रूट बी, तो ये हमने क्या लिखा, अंडर रूट ए लेस देन आर इक्वल टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर हम लिखा है कंडीशन प्रूफ किया है ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, c लेस देन आर इक्वल टू d है तो इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू डी स्क्वायर, ये हम लोग यहां से लिख सकते हैं। और यदि इसकी वैल्यू हम लोग रखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए और लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट बी, और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा
b है ना, d स्क्वायर क्या हो जाएगा b, तो a इज लेस देन आर इक्वल टू b है ना। तो ये इसी किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, ये यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट a लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट b, यदि ऐसा आ जाता है इसको भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी a लेस देन आर इक्वल टू b है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट a भी लेस देन अंडर रूट b होगा लेस देन आर इक्वल, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको थ्योरम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। थोड़ा सा क्या था कि हो सकता है कि कुछ लोग को ना समझ में आए, तो दो बार तीन बार इस वीडियो को देखिए और स्वयं से लिखने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि रियल एनालिसिस में जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक ये थ्योरम हो सकता है कि आपको लग भी जाए कि हाँ समझ में आ गई है, लेकिन जब आप अपने मन से इसको प्रूफ करने को बैठेंगे तो नहीं होगी। एक दो बार समझ आने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं तक रखा जाए, है ना। मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि हमने लिया a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू हमने लिया 2, है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि आगे, क्योंकि इसी को हमें पढ़ना है। यदि हम यहाँ से निकालें अंडर रूट ए बी तो ये क्या हो जाएगा, या हम ऐसा कर लें पहले, चलो निकालो सीधे अंडर रूट ए बी ही निकाल लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा हमेशा 2 से, बी से, है ना। ग्रेटर देन क्या होगा, 2 से, क्योंकि 2 इंटू अंडर रूट 2 लगा है। यदि हम कहें कि हमने निकाला 1/2 a प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 4+2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो देखो ये हम क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ गई 3 और इसकी वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1/2 ए प्लस बी है, ये क्या है, ये हमारा ग्रेटर है किससे, 2 अंडर रूट 2 से, या हम लोग इसे कहें अंडर रूट ए बी से, ये हम लोग यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो, ये अंडर रूट ए बी हमने निकाला, ये कितना आया, 2 अंडर रूट 2, ये 2 से तो क्या है बड़ा है, लेकिन क्या है 3 से छोटा है, है ना, 3 से छोटा है। और इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट ए बी क्या होगा, छोटा होगा इससे। और इसी को आपने क्या पढ़ा है, ये 1/2 ए प्लस बी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, है ना, गुणात्मक माध्य। तो हमेशा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर और लगती है, यहाँ पर इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या नहीं होगा, छोटा नहीं हो सकता, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में प्रूफ भी करेंगे। ये एक जनरल आइडिया मैंने यहाँ पर दिया, तो इस तरीके से ये चीज भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग तैयार रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर इसके आगे की चीजों के साथ, ठीक है। थैंक यू।